साथ हो गया है, इसका मार निकाल लेते हैं, मार पसा लेते हैं। इधर चावल हो गया है, दाल भी हो गया है, दाल में बस छौंका लगा देते हैं। इधर सब्जी बनाने लगे हैं और सब्जी में आज बनेगा आलू बैंगन की सब्जी बड़ी डालकर, उड़द की बड़ी है तो ये सब डालकर सब्जी बना लेते हैं। और रात के लिए भी प्याज और भिंडी का सब्जी बना कर रख देंगे, क्योंकि रात को बाहर कहीं जाना है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, पूजा के लिए, कल रामनवमी है ना, तो वही शाम को निकलेंगे तो फिर आते आते फिर नहीं हो पाता है, बहुत गर्मी गिरने लगा है तो फिर आएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो रात के लिए भी सब्जी बनाकर फ्रिज में रख देंगे भिंडी और प्याज का। तो बड़ी की सब्जी बनाएंगे, उसके लिए पहले बड़ी को फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, आलू बैंगन को मैंने भून लिया है, अब इसमें मसाला डालकर भी भून लेंगे। आलू बैंगन की सब्जी हो या फिर भिंडी की सब्जी हो, इसमें फोरन 5 फोरन का दिया जाता है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, मसाला भून गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हमने छोड़ दिया है, इसको पकने में अभी 2-3 मिनट लगेगा, ढक देते हैं। और यहाँ पर भिंडी काट कर हमने रख दिया है, भिंडी प्याज टमाटर, भिंडी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर तैयारी करके रखी है हमने। मसाला भी थोड़ा सा यहाँ पर हमने भिगो कर रखा है, भिगा हुआ मसाला रहेगा तो सही बनेगा। तो अब भिंडी की सब्जी भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, अभी इसको भून रहे हैं। तो रात के खाने के लिए भिंडी प्याज टमाटर की सब्जी। अभी 5 बजे का टाइम है और इतनी धूप है, इतनी कड़क धूप है कि क्या बोल, बहुत कड़क धूप निकला हुआ है और गर्मी वैसे ही है। तो सारे कपड़े वगैरह उतार कर ले आई हूँ और अब कुछ सामने वाले पौधों को पानी लगा कर चली आई हूँ। अभी अपने लिए बनाई हूँ मैं बिना दूध वाली चाय पीती हूँ, और थोड़ी देर में सूरज ढल जाए तब निकलेंगे शॉपिंग के लिए। तो कल रामनवमी है, उसी उपलक्ष्य में शॉपिंग करनी है, पूजा के सामग्री खरीदनी है, तो वही चलेंगे मार्केट। खाना पीना खा कर तो मैं सो गई थी और उठकर थोड़ा सा ब्लॉग एडिट की, और अभी जो शाम का काम होता है वो सारा की, और बस रोटी बनाना रहेगा। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दिया है, तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए पहले चाय पिए, चाय साय पी कर फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो तैयार होकर बैठे हैं, वही वाला साड़ी पहनकर, छठ पूजा वाला दिन जो साड़ी पहने थे, क्योंकि अभी तक मैंने इसे धोया नहीं था और ये जूठा भी नहीं है, तो मैंने इसे ही पहन लिया। और अभी चलते हैं मार्केट, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और पसीने से देखिए, परसों ही मैंने शैम्पू किया था और बाल इस तरीके से चिपचिपा हुआ है कि क्या बोले। पायल के लिए वेट कर रहे हैं और वो ट्यूशन पढ़ाने की, जब तक नहीं आती तब तक इस तरीके से गर्मी में मरना पड़ेगा, आएगी तो उसके साथ ही जाएंगे। वैसे तो तन्नी को भी लेकर चले जाते, लेकिन वो बोली थी कि मैं चलूँगी, तो वही वेट कर रही हूँ। 7 बज गया है और इतना सारा सामान खरीदना है, छोटा छोटा सामान ही है लेकिन सामान ज़्यादा है, और अभी तक उसका अता पता नहीं है। गर्मी में साड़ी पहन लो तो फिर मुसीबत ही है, मतलब इतना गर्मी हमें लगता है कि क्या बोले। सारा कुछ बन गया, खाना पीना सारा कुछ रेडी करके जा रहे हैं, जिसको भूख लगेगा वो अपना खा लेगा। बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में, हमको 11 पीस दे दीजिए, 5 का 5 का 2 पैकेट।
भैया आप दे दीजिए, हो गया तो मंगवा दिए, बोल तो ना कैट हो गया, क्वालिटी अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा है, 11 पीस दे दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, रुका 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 रुका, पैसा हाथ में रखा, 6 5 11 125 ग्राम का कैसे हो जाएगा चना, सब मेरा हिसाब कर दीजिए, कितना पड़ेगा, बाकी सामान हो गया, धार मेहंदी हमको भी चाहिए, ये दिए नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, साइज भी छोटा है, साइज इससे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, तो 8 नंबर लीजिए, 6 नंबर मत लीजिए। तो फाइनली घर पहुंच गए, मार्केट में इतना रश था कि सामान खरीदना मुश्किल हो रहा था, जैसे तैसे करके सामान खरीदे, तो जो भी हो 9 बज रहा है रात का, अभी आ गए हैं घर, पायल को बोले तो वो नहीं गई, उसके वजह से इतना लेट हो गया, और मैं ये कल ही बोल रही थी सारा कुछ बाजार कर लेने को, लेकिन वो आज का बोल दी, और आज इतना रश होता है मार्केट में, मतलब किसी भी पूजा से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा ही मार्केट में रश होता है, और जैसे तैसे लाइन में खड़े होकर के सामान फाइनली खरीद लिया, अब सारा कुछ अरेंज करके रखते हैं, ड्रेस खोलते हैं और खाना खाकर आराम करते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है, तो चलिए आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, बाय बाय।